हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट में, जिसमें आज हम बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर मानव नेत्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के दो लेसन, फिजिक्स का एक और बायोलॉजी का एक लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके उन्हें समाप्त कर दिया है। आज हम बायोलॉजी के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर को देख रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखें और पीछे के वीडियो को पाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को उस पर भी देखें और लाइक और शेयर किया कीजिए यार आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है मनुष्य स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब? ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना से आगे, ऑप्शन सी है रेटिना के पीछे, ऑप्शन डी है अनंत पर। तो इसका राइट ऑप्शन आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रेटिना पर। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा रेटिना पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर टू है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन सी है सीधा होता है और सीधा दिखाई देता है, ऑप्शन डी है उल्टा होता है उल्टा दिखाई देता है। तो ये तो कॉमन बेस क्वेश्चन है, इसमें तो आप लोग जान ही गए होंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उल्टा होता है लेकिन सीधा दिखाई देता है हमें, उल्टा तो दिखाई देगा नहीं। तो दो ऑप्शन गलत हो गए और यहाँ पे उल्टा होता है और एक ऑप्शन हो गया सीधा होता है और सीधा दिखाई देता है, तो ये गलत है। तो यही राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पे। मनुष्य में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी श्वेत मंडल, ऑप्शन डी छिलेड़ी मांसपेशियां या पेशियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। पुतलियां जो होती हैं वो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, मतलब कितना प्रकाश आंखों में प्रवेश किया जाए उसे ये नियंत्रित करती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, उत्तल और अवतल होता है कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिसारी, ऑप्शन ए जो है वो राइट है, नेत्र लेंस जो होता है वो अभिसारी होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अभिसारी। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर पर और ऑप्शन डी है अनंत पर। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग को मालूम होगा कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहीं पर अगर पूछा रहता स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम बिंदु स्थित होता है तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे दूर बिंदु पूछा है तो अनंत ही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सिक्स को, जो है स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी अनंत। तो यही क्वेश्चन अभी मैं ऊपर बताया आप लोग को और यही क्वेश्चन बन के नीचे आ गया, तो इसका राइट ऑप्शन तो हमने आप लोग को बता ही दिया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए? पीड़ित जो व्यक्ति होता है निकट दृष्टि दोष से उसे ठीक करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, ऑप्शन ए है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष के लिए किया जा रहा था अवतल लेंस का, तो इसके लिए किया जाएगा उत्तल लेंस का। ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता होगा, ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, ऑप्शन डी है अनंत पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। दूर दृष्टि दोष से जो पीड़ित मनुष्य होता है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है अनंत से कम दूरी पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अनंत पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर होता है, कहाँ होता है, अनंत पर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए है रेटिना पर, ऑप्शन बी है रेटिना से आगे, ऑप्शन सी है रेटिना के पीछे, और ऑप्शन डी है कहीं नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रेटिना के पीछे, दूर दृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस प्रयोग कर रहा है, तो इस लेंस की क्षमता होगी, इस लेंस की क्षमता पूछ रहा है, और क्या दिया है हमें, हमें दिया है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, और लेंस की क्षमता पूछा है। तो लेंस की क्षमता हो जाएगा, डायोप्टर से डिनोट करते हैं, लेंस की क्षमता का मात्र डायोप्टर होता है, और लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f मीटर में, जहां होता है f, तो यहां से निकालेंगे तो 1/f यानी कि 20 नीचे जाएगा, तो 100 से डिवाइड करेंगे 20 को, 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्लस 5 डायोप्टर, जो कि ये उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। कोई व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, उसे है, ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है दरा दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14 है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, क्या कारण है निकट दृष्टि दोष का, ऑप्शन ए है नेत्र गोलक का बढ़ना, ऑप्शन बी है नेत्र गोलक का छोटा होना, ऑप्शन सी है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में अनियमित, और ऑप्शन डी है आयु में वृद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेत्र गोलक का बढ़ना निकट दृष्टि दोष का कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, जो पूछ रहा है कि नेत्र के निकट एवं दूर की वस्तुओं को फोकस करने की क्षमता कहलाती है, ऑप्शन ए दिया है लचीलापन, ऑप्शन बी दिया है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी दिया है निकट दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी दिया है सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग को मालूम होगा इसका राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, जो पूछा है जरा दृष्टि दोष
से पीड़ित एक बूढ़े व्यक्ति को निम्न लेंसों के चश्मे प्रयोग करने चाहिए। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन सी है दुई फोकसी लेंस, ऑप्शन डी है अवतल लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दुई फोकसी लेंस का प्रयोग जरा दूर दृष्टि से पीड़ित एक बूढ़े व्यक्ति को निम्न लेंस हो के चश्मे प्रयोग करने चाहिए में दुई फोकसी लेंस ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जिसमें एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, वह किस नेत्र दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जड़ा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है। ऑप्शन ए है बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी है लाल रंग का, ऑप्शन सी है हरे रंग का और ऑप्शन डी है पीले रंग का। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग का, सबसे कम होता है लाल रंग का विचलन और सबसे अधिक किसका होता है बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, जो पूछ रहा है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा बैंगनी की आवृत्ति अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नाम के प्रथम अक्षर से बने निम्न शब्द संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन मैं क्या दूँ, इसका राइट ऑप्शन ही आपको बता देता हूँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट बिब ग्योर, जो कि स्पेलिंग इसमें सही है और किसी में सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिब ग्योर, ऑप्शन ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त प्रथम रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है बैंगनी और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है बैंगनी और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग जानते होंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाल हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बैंगनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, प्रकाश के किस रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है बैंगनी, ऑप्शन सी है हरा और ऑप्शन डी है पीला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बैंगनी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वेत प्रकाश के अपने अव्ययी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है।
ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अथवा इसी में एक और क्वेश्चन है, वही है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है, तो उसे भी पढ़ देता हूँ मैं। प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ऑप्शन डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देगा। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है नीला, और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काला। जब भी आप चंद्रमा के तल से आकाश को देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से किसके कारण तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए है इसके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय परावर्तन, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन, और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय विक्षेपण। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए निम्न में से किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताप प्रतीक होने का कारण है, मतलब लाल प्रतीक होने का कारण है। ऑप्शन ए है समंजन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, और ऑप्शन सी है विक्षेपण, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, परिक्रीर्ण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे।